मैं बनाने जा रही हूँ एक नॉनवेज रेसिपी। ये रेसिपी की नाम है व्हाइट चिकन कोरमा। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और ये वीडियो को एंड तक देखिए और मेरी रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। पहले इंग्रेडिएंट्स में मैंने ले लिए हैं प्याज पेस्ट और काजू, खसखस, तिल और चार मगज का पेस्ट, और मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली है इसके साथ। और यहाँ पे खट्टा दही को फैट करके मैंने रख लिया है। और इसके साथ मसाले पे मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और तेजपत्ता, लाल मिर्च और होल स्पाइस गरम मसाला और काली मिर्च, चिकन मसाला, बटर और व्हाइट ऑयल और धनिया पत्ता को मैंने काट लिया है। और चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ नींबू से। मैंने हाफ नींबू लिया है और नमक से मैं इसको मैरिनेट करके साइड में ढक कर रख दिया था। और इसके बाद एक फ्राइंग पैन में व्हाइट ऑयल ले लिया है मैंने थोड़ा सा। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा बटर और सभी मसाला मैं इसमें डाल लूंगी। देखिए, मसाला डालने के बाद, खड़ा मसाला डालने के बाद मैं प्याज पेस्ट इसमें डाल लूंगी। प्याज पेस्ट को अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा जिससे इसका कच्चापन चले जाए, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। इसके बाद मैं ऐड करूंगी नमक और थोड़ा सा चीनी, कलर के लिए मैं ऐड करूंगी। चीनी मिलाने से प्याज में अच्छे से कलर आ जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। नमक का बैलेंस ठीक रखता है ये चीनी। फ्राई करने के बाद मैं अदरक लहसुन और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करूंगी और इसे भी प्याज के साथ मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा जिससे इसके कच्चापन ना रहे और स्मेल ना आए। के कच्चापन अच्छे से जाना चाहिए, कच्चा स्मेल नहीं आना चाहिए। देखिए, ऑयल छोड़ दिया है और इसके बाद मैं ये चिकन इसमें डालूंगी। ये वो मैरिनेट किया हुआ चिकन है जिसको मैं पहले रख दिया था पास में। चिकन को इस मसाले के साथ अच्छे से मिलाना पड़ेगा।
और गैस को मीडियम लो करके मैं चिकन को ढक दूंगी। अच्छे से पकने के लिए ये मैंने चिकन को ढक दिया है। पहले मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें है धनिया का पाउडर, चिकन मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने पानी के साथ मिला के पेस्ट तैयार कर लिया है और इसमें डाल लिया है। मैं इसके साथ थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ और चिकन को ये मसाले के साथ अच्छे से मिलाना पड़ेगा। देखिए चिकन को मैं कैसे मिला रही हूँ। और देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। देखिए मैंने ढक दिया था और ढकने के बाद कैसे कलर आ चुका है। 5-7 मिनट के लिए ये मसाला देने के बाद आपको ढकना पड़ेगा। और ढक्कन खोलने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खट्टा दही। खट्टा दही देने के बाद मैं अच्छे से मिला लूँगी और फिर से मैं 5-7 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी। देखिए कैसे अच्छे से मिलाना पड़ेगा। और इसके बाद मैं ये चिकन को ढक दूंगी। और ढकने के बाद मैंने 5-7 मिनट के लिए ये खोल लिया है और मैंने जो पेस्ट तैयार कर लिया था, काजू, खसखस, चार मगज और तिल का पेस्ट, काजू, खसखस, चार मगज और तिल का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर लूँगी और अच्छे से मिला लूँगी। ये पेस्ट ऐड करने के बाद आपको अच्छे से मिलाना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली इसे मिलाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और मैं कंटिन्यूअसली इसको मिक्स कर रही हूँ, नहीं तो ये जो पेस्ट है ये नीचे से जल जाता है। ये इसको मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। और ख्याल रखना पड़ता है ये नीचे से नहीं जल जाए। देखिए मैं गरम पानी इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी ग्रेवी के लिए। अब हमेशा गरम पानी ही ऐड करिए, नहीं तो चिकन सख्त हो जाएगा। गरम पानी ऐड करने से थोड़ा सा ग्रेवी भी आएगी और चिकन को लो फ्लेम पे ढककर 5-7 मिनट और पकाया भी जा सकता है, जिससे चिकन अच्छे से और भी नरम हो जाएगा। ढकने के बाद मैंने खोल लिया है चिकन को और देखिए चिकन कितने अच्छे से पक गया है और बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और तेल अच्छे से छोड़ दिया है चिकन ने। और इसमें मैं मिला लूँगी थोड़ा सा बटर। ये बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें आएगा।
और बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा बटर का। और आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें ये ग्रेवी और भी अच्छा लगेगा दिखने में। और मेरा चिकन अब सर्व करने की बारी आ गई है, और एक बर्तन में मैं ये चिकन को सर्व कर लूँगी। देखिए कितने अच्छे से ग्रेवी तैयार हो चुका है और चिकन भी अच्छे से पक चुका है। और आप चाहे तो ये चिकन को आप गार्निश भी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी धनिया पत्ता के साथ। इस रेसिपी को आप राइस, रोटी और पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक यू।